हाय एवरीवन कैसे हैं आप लोग उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे मैं गीता वर्मा गीता किन्दू लाइफस्टाइल में एक बार फिर से आपको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ जैसे कि लास्ट वीडियो में आप लोगों ने मुझे बहुत सारे कमेंट्स किए कि मैम आप कौन सी क्रीम लगाते हैं बता दीजिए तो मैं आज के इस वीडियो में मैंने सोचा कि क्यों ना क्रीम के साथ साथ मैं आपको पूरा अपना स्किन केयर रूटीन बताऊं क्योंकि सिर्फ क्रीम लगाने से हम जवान नहीं दिखते हैं उसके साथ बहुत कुछ लगाना पड़ता है बहुत सारा स्किन केयर रूटीन फॉलो करना पड़ता है जो कि मैं करती हूँ तो लास्ट वीडियो में इतने सारे कमेंट्स आए कि मुझे आपका जवाब इस वीडियो में देना पड़ रहा है और मैंने सोचा कि कमेंट में सिर्फ मैं क्रीम बताऊंगी पूरी वीडियो बना देती हूँ जिसमें मैं पूरा अपना स्किन केयर रूटीन बता दूंगी तो बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं कि मैम आपकी उम्र का पता नहीं चलता आप अपनी उम्र से छोटे लगते हो मुझे बहुत जब भी मैं किसी से मिलती हूँ बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी कितनी एज है और बहुत सारे तो ऐसे भी कमेंट्स आ जाते जा जा थे कि मैम आपकी शादी हुई है या नहीं तो मेरे दो बड़े बड़े बच्चे हैं मेरी बेटी ट्वेल्थ में है मेरा बेटा सेवन्थ में है अगर आपने नहीं देखा है तो ब्लॉग चैनल पे जाइए मेरे गीता के नू ब्लॉग चैनल पे जिसपे बहुत सारे ब्लॉग आ रहे हैं क्योंकि अभी रिसेंटली मैं गई थी दिल्ली से मनाली मनाली से लेह लद्दाख और फिर कश्मीर तो वो सारे ब्लॉग मेरे आते जा रहे सीरीज आ रही है पूरी कश्मीर ब्लॉग आने वाला है तो वहां पे आप मेरे हस्बैंड को मुझे मेरे बच्चों को देख सकते हैं जो लोग देखना चाहते हैं काफी बड़े बड़े बच्चे हैं मेरे मनाली में थी मैंने अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था और मैं हूँ फोर्टी ईयर्स की इस साल मैं फोर्टी ईयर्स की हो गई तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है फोर्टी अपनी एज छुपाने की और फोर्टी इयर्स तक आते आते बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना काफ़ी बूढ़े नज़र आने लगते हैं उनकी स्किन एकदम झाइयाँ हो जाती हैं स्किन खराब हो जाती है और झुरियाँ आ जाती है बहुत सारी तो देखने में ना उनकी एज बहुत ज़्यादा लगती है तो इसीलिए मुझसे बहुत सारे मेरे व्यूअर्स भी पूछते हैं कि मैम आप क्या करते हो कि आपकी स्किन इतनी ग्लोइंग रहती है टाइट रहती है इतना मतलब क्या चीज़ आप लगाते हो तो एक चीज़ लगाने से कुछ नहीं होता है क्रीम के साथ साथ भी मैं बहुत कुछ लगाती हूँ बहुत सारे स्किन केयर रूटीन फॉलो करती हूँ आज मैं अपना डे केयर रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ अगर आप नाइट में जानना चाहते हो तो उसका जो रूटीन होता है वो अलग होता है स्किन केयर तो अगर वो जानना चाहते है तो वो भी लिख के बता दीजिएगा मैं अपना नाइट स्किन केयर रूटीन भी आपके साथ शेयर कर दूंगी और जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है कर लीजिएगा वहाँ पे आप मेरे बारे में बहुत ज़्यादा जान सकते हैं अगर जानना चाहते हैं जबरस्ती नहीं है तो जो लोग जानना चाहते हैं मेरे बारे में वो मुझे फॉलो कर सकते हैं तो, तो देख लेते हैं मैं कौन सा स्किन केयर रूटीन फॉलो करती हूँ तो आज की वीडियो शुरू करते हैं तो यहाँ पे मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है फ़ेस वॉश से अगर आप जानना चाहते हैं फेस वॉश कौन सा यूज़ करती हूँ तो कमेंट करिएगा मैं आपको वो भी बता दूँगी तो फ़िलहाल मैं अभी नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी फ़ेस वॉश फ़ेस वॉश कर चुकी हूँ कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा वैसे मैं कौन सा करती हूँ मैं आ, अपने नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है बता दूँ आपको नहीं तो कमेंट करिएगा मैं वहाँ पर बता दूँगी तो यहाँ पर सबसे पहले फेस वॉश करने के बाद मैं यूज़ करती हूँ ये मिस्ट जो है प्लम का और ये बहुत ही अच्छा है ये क्या करता है हमारे जो ओपन पोर्स होते हैं ना उनको क्लोज कर देता है ये एक टोनर का काम करता है बहुत अच्छे से स्किन को रिफ़्रेश कर देता है तो इसे हम थोड़ा सा सूखने देते हैं लगाने के बाद उसके बाद हम बाकी की चीज़ें लगाएंगे तो यहाँ पे अब मैं यूज़ करूँगी अपना मॉइस्चराइज़र क्रीम जो आप पूछ रहे थे कि मैं आप कौन सी क्रीम लगाती हूँ तो मैं यहाँ पे गार्नियर रिंकल लिफ्ट क्रीम लगा तो मैं दिखा देती हूँ इसकी डिब्बी कैसी होती है ये है गार्नियर रिंकल लिफ्ट क्रीम जो कि 40 ग्राम्स की डिब्बी है और इसका जो रेट है वो है टू सेवेंटी काफ़ी दिन चल जाती है और जब से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ मुझे बहुत पसंद आ रही है इससे काफ़ी मेरे जो रिंकल्स हैं वो कम हो गए हैं स्किन टाइट हो गई है जो ओपन पोर्स है ना वो खुले रहते थे धीरे धीरे वो बंद हो गए तो स्किन ना टाइट नज़र आने लगी है तो इसे मैं लगाती हूँ मॉर्निंग में नहाने के बाद और इस तरह से डॉट डॉट करके पूरे फेस पे और नेक पे नेक पे क्या होता है हमारे फेस से भी पहले हमारे नेक पे रिंकल्स आते हैं झुरियाँ पड़ती हैं तो इसलिए नेक को स्किप मत करें सिर्फ फेस पे बहुत लोग लगाते हैं तो मैं फेस पे तो लगाती हूँ नेक पे भी लगाती हूँ और इस तरह से ऊपर की तरफ मसाज करते हुए हमेशा जब भी मसाज करें ना फेस पे ऊपर की तरफ मसाज करें जिससे क्या होता है आपके रिंकल्स कम होते हैं ये देखिए इस तरह से मैं हाथ से ही मसाज कर लेती हूँ वैसे जब मैं नाइट स्किन केयर रूटीन करती हूँ तो वहाँ पे मेरे पास एक स्टोन है जिसे ग्वाशा बोलते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी जब आप मेरा नाइट स्किन केयर रूटीन देखेंगे तो कमेंट करिएगा अगर देखना चाहते हैं मैं उसमें दिखाऊंगी उस उससे करने से ना आपके जो रिंकल्स हैं वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं और आपकी स्किन टाइट होने लगती है तो अगर जब मेरे पास टाइम नहीं होता है तो मैं इस तरह से फेस से ही मसाज कर लेती हूँ मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा अच्छा तो आपकी जितनी भी स्किन प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग हो जाएगी क्रीम लगाने के बाद मैं यूज़ करती हूँ ये सनस्क्रीन जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप घर से बाहर नहीं भी निकलते हैं तो भी आपको सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है और मैं क्यों लगाती हूँ क्योंकि आ, मेरा काम है लाइट्स के आगे काम करना मैं वीडियो शूट करती हूँ चाहे वो मेरा कुकिंग वीडियो हो व्लॉग हो चाहे मेरा लाइफ चैनल हो हर टाइम मैं लाइट के सामने रहती हूँ बहुत सारी लाइटें जल रही होती हैं और जब जो लोग लाइट के आगे रहते हैं उनके लिए सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है ऐसा नहीं है धूप में जा रहे हैं जब ही लगाना है आपको लाइट के आगे रहते हो तो भी आपको सनस्क्रीन लगाना है और नहीं भी निकलते ना तो भी एक लगाएंगे तो प्रो एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है जो आपको टैनिंग से बचाती है आपको यूवी रेस से बचाती है बहुत सारी आपकी जो स्किन प्रॉब्लम्स हैं ना वो सनस्क्रीन लगाने से ही कम हो जाती है तो बहुत लोग नहीं लगाते हैं सनस्क्रीन पर आपको लगाना ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन ग्लोइंग रहे आप जल्दी आपकी स्किन जो है वो ख़राब ना हो रिंकल्स ना आए तो इस स्किन केयर रूटीन को आप फॉलो करें बहुत इजी है ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं मैं यू यूज़ करती हूँ तीन से चार प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ जिससे मेरी स्किन बहुत ही अच्छी रहती है ग्लोइंग रहती है काफ़ी टाइट भी रहती है तो इस तरह से अच्छे से मैं हाथ से मसाज कर लेती हूँ क्योंकि उस टाइम पर ज़्यादा टाइम नहीं होता है मेरे पास मैं नाइट वाले में ना जो गुआशा है मेरा उससे मैं मसाज करती हूँ वो मैं आपको कमेंट करेंगी तो मैं जब वो रूटीन दिखाऊंगी तब तो मैं आपको दिखाऊंगी क्या होता है वो तो ये अब मैं सब कुछ मैंने लगा लिया है इसके बाद मैं अपने जो डार्क सर्कल हैं क्योंकि मैं पूरे टाइम लैपटॉप और फ़ोन पे काम करती हूँ तो जो मेरे इससे क्या होता है मेरे डार्क सर्कल हो जाते हैं ऐसा नहीं है मैं भी आप लोगों की तरह ही हूँ मुझे भी डार्क सर्कल होते हैं जब मैं बहुत ज़्यादा काम करती हूँ रात को बारह एक दो बजे तक रात को काम करती हूँ तो इससे क्या होता है हमें भी डार्क सर्कल हो जाते हैं नींद नहीं पूरी होती है तो भी डार्क सर्कल हो जाते हैं तो इसके लिए मैं ये एस टी का तो मैं इसके लिए एस टी लॉर्डर का डार्क सर्कल आई क्रीम है जो मैं यूज़ करती हूँ थोड़ा सा महंगा ज़रूर है बहुत लोग नहीं अफोर्ड कर सकते इतना ये सत्रह सौ रुपये सत्रह पता नहीं ध्यान नहीं मुझे पंद्रह सौ रुपये की शायद ये इतनी सी डिब्बी थी और ये काफ़ी दिन चल जाती है वैसे अगर आप ख़रीद सकते हैं तो ये भी ले सकते हैं नहीं तो मैंने मामा अर्थ के भी आ, आई क्रीम दिखाई थी जो कि 500 600 की आती है काफ़ी बड़ी होती है वो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं तो मैं इसे लगाना बिल्कुल नहीं भूलती हूँ क्योंकि मेरे नहीं अगर मैं ना लगाऊँ तो पता नहीं मेरे कितने डार्क सर्कल हो जाएंगे तो अब इसके बाद जो लास्ट में लगाती हूँ वो लगाती हूँ ये लिप बाम जो कि निविया की है और कहीं पर भी आपको ईजिली मिल जाएगी तो इसे लगाना बिल्कुल भी ना स्किप करें मतलब ये भी जो लिप्स होते हैं ना ये भी हमारे स्किन के रूटीन में आते हैं इनको बहुत लोगों के फटे फटे लिप्स होते हैं और उस पर वो लिपस्टिक लगा लेते हैं तो जिससे कि वो लिपस्टिक बहुत बुरी लगती है देखने में जब वो क्रैक स्किन निकल रही होती है ना तो बहुत ही बुरी लगती है तो इसलिए पहले लिप बाम लगाएं उसके बाद लिपस्टिक लगाएं इससे आपका स्किन केयर भी हो जाता है और आप ऊपर से मेकअप भी कर लेते हो तो ये मेरा स्किन केयर हो गया इसके बाद मैं आप, दिन में तो वैसे मैं बहुत कम मेकअप करती हूँ जब वीडियो शूट करती हूँ तो तभी करती हूँ तो ये था मेरा स्किन केयर रूटीन कैसा लगा लिख के ज़रूर बताइएगा तो कैसा लगा आज का ये वीडियो इस तरह का स्किन केयर रूटीन अगर आप भी फॉलो करते हैं तो आपकी स्किन भी मेरी तरह ग्लोइंग हो जाएगी और जल्दी आपकी एज का पता नहीं चलेगा लोग आपसे पूछेंगे कि आप क्या लगाते हो कि आप इतने जवाब दिखते हो तो मुझे ये इस कमेंट, सारे कमेंट भी आते हैं और जब आप लोग करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उसका जवाब देना भी अच्छा लगता है और बहुत बार क्या होता है मैं उस पर वीडियो भी बनाती हूँ तो जब पॉसिबल नहीं होता है कि इतने सारे लोगों ने कमेंट किया तो उस पर पूरा टॉपिक पे वीडियो बना देती हूँ तो भर भार के कमेंट करिएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा दूसरों के साथ शेयर करिएगा ताकि जो लोग इस एज में आ गए हैं और जवान दिखना चाहते नहीं चाहते कि वो जल्दी बूढ़े दिखें तो मेरे स्किन केयर रूटीन को वो भी फॉलो कर सकते हैं और अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा आपका एक एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है और मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इस तरह की और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बनाने के लिए और चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरह की वीडियोस मैं लाती रहती हूँ और आगे क्या देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा साथ ही नोटिफिकेशन बेल होगी उसे भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए तो फिर मिलती हूँ इस तरह की और भी नई नई इंटरेस्टिंग वीडियोज के साथ टिल देन गुड बाय